आज हम प्लस टू साइंस की केमिस्ट्री की फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो जैसे नाम से ही पता है, हमने इसमें स्टडी करना है किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर जो भी प्रोसेस हो रही है वो हम किसके अंडर स्टडी करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं फिनोमिनाज विच अकर्स एट द सरफेस। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोजन है, इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना। आपको पता है सरफेस पर ही कोरोजन होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, जो डिफरेंट कैटाइंस और एनाइंस थे उनकी जो डिस्चार्जिंग होती है वो मेटल के जो इलेक्ट्रोड है, मेटल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके सरफेस पर ही होती है। उसी तरह से हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, जब भी सॉलिड के सरफेस पे गैस पार्टिकल्स एडजॉर्ब होते हैं और ये जब प्रोसेस को तेज करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेनली हमने पढ़ना है कि सॉलिड का जो सरफेस है उस पर जो प्रोसेस होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं। तो मेनली हम यहाँ पर मेटल के सरफेस लेंगे, मेटल के सरफेस एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है, हमने इसमें एडजॉर्प्शन ही पढ़ना है। तो जो मेटल सरफेस है, अगर आप उस पर कोई स्टडी करना चाहते हैं, उसके सरफेस पे किसी प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए कि जो आपकी जो मेटल का सरफेस हो बिल्कुल क्लीन हो, उस पर पहले से कोई भी गैस एडजॉर्ब नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, जितने भी मेटल्स हैं उनको एक ऐसे वैक्यूम कंटेनर में रखते हैं जहाँ पर प्रेशर क्या हो, बहुत कम हो, या फिर आप कह सकते हो जहाँ पर गैसें सरफेस पर बहुत कम एडजॉर्ब हो। तो चलिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में देखिए, एक ये गैस का कंटेनर है और इस गैस के कंटेनर में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, और तो क्या होता है एडजॉर्प्शन के दौरान जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो गैसियस पार्टिकल हैं उनकी कंसंट्रेशन सरफेस पर बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन बढ़ने का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, कहाँ पर, सरफेस पर। जैसे डॉट्स दिखा रखे हैं, देखिए काफ़ी एक दूसरे के क्लोज हैं, और जब बाहर आप डॉट्स को देखोगे जो गैस पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो बाहर कंसंट्रेशन कम है और सरफेस पर कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। याद रखना है, ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आपके किसी भी गैस की या किसी भी दूसरे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कहाँ पर बढ़ जाती है, सरफेस पर। ओके, जो गैस एडजॉर्ब होती है या जो लिक्विड एडजॉर्ब होता है सॉलिड के सरफेस पे, उसको बोलते हैं हम एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। और जो सब्सटेंस सॉलिड को या गैस को या लिक्विड को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करता है उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम एडजॉर्बेंट। ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सॉलिड का ब्लॉक है ये तो एडजॉर्बेंट है, और जो ये गैस है ये क्या है, आपकी एडजॉर्बेट। इनकी डेफिनेशन हम आगे भी करेंगे। अब ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती क्यों है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक सॉल्यूशन है मेरे पास, इस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट डिसॉल्व कर रखा है मैंने। तो यहाँ पर दो टाइप के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, एक तो वो पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पर प्रेजेंट हैं और एक वो पार्टिकल्स हैं जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर मैं उस पार्टिकल की बात करूँ जो सॉल्वेंट के अंदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसके चारों ओर दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, तो वो सभी क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं। ये बीच वाले पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं और जो टोटल नेट फोर्स आता है वो कितना आता है, ज़ीरो। ओके, तो
अगर इस पर जीरो नेट फोर्स है तो इसका मतलब ये कैसा है, स्टेबल है, इट इज़ स्टेबल। लेकिन जो पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन के सरफेस पर प्रेजेंट है, उस पर जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं कहाँ पर, सरफेस पर, एक अंदर की तरफ फोर्स फील करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका सरफेस है इस पर एक तरह की टेंशन आ जाती है। टेंशन का मतलब एक तरह का खिंचाव आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो गैस में दूसरे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको क्या करने की कोशिश करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये भी क्या हो सकें, स्टेबल हो सके। ठीक है, तो इसीलिए जो भी सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर वाले पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचते हैं। तो देखिए, द मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस एक्सपीरियंस सम नेट इनवर्ड पुल, इनवर्ड अंदर की तरफ पुल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच काजेज सरफेस टेंशन। ठीक है, सिमिलर इनवर्ड फोर्सेज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड में भी इसी तरह के फोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने बात करी थी सॉल्यूशन की। सो दे हैव ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज ऑन देयर सरफेस, तो वो क्या करते हैं, गैसेज मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचते हैं जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आती है। तो इससे फिर क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, एडसॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब जरा हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। चलो उससे पहले हम एविडेंस देखते हैं कि क्या एविडेंस है कि हाँ भाई एडसॉर्प्शन भी कोई प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। नीचे वाला जो डायग्राम है इसमें सिंपल गैस रखी हुई है एक कंटेनर में, और ये एक मैनोमीटर वो एपरेटस होता है जिसका यूज़ हम गैस का वेपर प्रेशर नोट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए गैसेस पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे मरकरी पर, तो क्या होगा, इस लिंब में, इधर वाले लिंब में जो मरकरी है वो ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, और जो डिफरेंस है ना इनका, ये बताएगा वेपर प्रेशर के बारे में। अब नीचे वाला डायग्राम देखिए, अब फिर ऊपर वाला डायग्राम देखिए। ऊपर वाले डायग्राम में हमने क्या करा है कि जो गैस कंटेनर है उसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डाल दिया, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले केस में जो डिफरेंस है इन दो लेवल्स का वो कम है। कम का मतलब ये है कि अब क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हो गया वेपर प्रेशर, क्योंकि ये जो गैसियस पार्टिकल्स हैं सॉलिड ने क्या कर लिया, इनको अपनी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एविडेंस है जो हमें बताता है कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है। तो व्हेन ए फाइनली डिवाइडेड सॉलिड इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए वेसल कंटेनिंग ए गैस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी डिक्रीज्ड। डिक्रीज तभी होगा जब गैस की क्या होगी, एडजॉर्प्शन होगी। इट मीन्स सम अमाउंट ऑफ गैस इज एडजॉर्ब। तो ये एविडेंसेस थे जो हमें ये बताते हैं कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है। अब बात आती है, एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, ये देखिए, ये मान लीजिए कोई आपका सरफेस है सॉलिड का, ठीक है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, दे कैन वाइब्रेट, ये पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, अपने सरफेस पर वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर एडजॉर्प्शन हो जाएगी, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इस सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो इनकी जो मूवमेंट है जो सरफेस पर प्रेजेंट थे वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी मूवमेंट। और अगर मूवमेंट कम हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। और अगर एनर्जी डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है एडजॉर्प्शन के दौरान। ठीक है, तो जो भी एनर्जी कम होएगी सरफेस पे, जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो किस फॉर्म में निकलेगी,
एनर्जी की फॉर्म में। और जब किसी भी प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, तो उसे हम कहते हैं कौन सी प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो व्हेन द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस द सरफेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। दिस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट विच इज नोन एज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसे हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहेंगे। जब भी एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तो उस दौरान जितनी हीट निकलती है, ये आगे हम डिटेल में इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, तो जो हीट चेंज होगा वो हमेशा ही कैसा होगा? नेगेटिव। तो आपको पता है डेल्टा एच जब नेगेटिव होता है तो इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है, वहाँ पर रिलीज हुई है। चलिए अब हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, डिजॉर्प्शन और ओक्लूजन, इसकी क्या डेफिनेशन है? एक नंबर की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ जाती है। ये हमने वैसे स्टार्टिंग में कर ली थी। तो एडजॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट किए जाते हैं, कहाँ पर? किसी भी सॉलिड के सरफेस पर, ताकि कंसंट्रेशन क्या हो सके मॉलिक्यूल्स की? हाई हो सके। कहाँ पर? सरफेस पर। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एडजॉर्प्शन, ठीक है? तो एक तो वो सब्सटेंस है जिसकी एडजॉर्प्शन हुई है, तो जिसकी एडजॉर्प्शन होती है उसे तो बोलते हैं हम एडजॉर्बेट, ओके? और जहाँ पर एडजॉर्प्शन होती है उसको बोलते हैं हम एडजॉर्बेंट। वो सॉलिड सरफेस जहाँ पर एडजॉर्प्शन होगी उसे हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट, और जो इसका रिवर्स होगा एडजॉर्प्शन का उसको हम बोलेंगे डिजॉर्प्शन, ठीक है? एंड द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द मेटल सरफेस, दिस इज नोन एज ओक्लूजन। ये एक एक नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन डू, ठीक है? तो हम आगे इनके टाइप पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन।